ये एक सस्पेंस है जो एक नया ट्रैक आ रहा है, एज इन नई स्टोरी आ रही है, जहाँ मैं नूरी का रूप लेने वाली हूँ और नूरी को गायब करती हूँ ताकि मैं अर्जुन के करीब हो सकूँ, नागार्जुन के करीब हो सकूँ, क्योंकि मैं उससे शादी कर सकूँ। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड ट्रैक कमिंग अप। यू नो, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है टू एक्ट, यू नो, गेट इन टू नूरीज कैरेक्टर एंड देन यू नो बी क्लोज टू अर्जुन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक है। अच्छा, वैसे देखा कि मस्किनी कुछ कड़ा पहन रही थी और नूरी का रूप धारण करती है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। सो समथिंग, वो कड़ा क्या होता है? वो कड़ा जो है वो मेरे ऋषि ने दिया है, और वो कड़ा जब मैं पहनती हूँ तब मैं एक किसी का भी रूप ले सकती हूँ, बस उसकी मन की भावना को जोड़ना है अपने आप से। ओके, अलग अंदाज में नजर आएंगी, लेकिन वो अभी अगर बता दो तो फिर मदद अभी ऐसा है कि नूरी जो है उसे कोई अगवा करके लेके जा रहा है, लेकिन अब वो कौन लेकर जा रहा है और कौन उसे पलंग के अंदर डाल रहा है और कौन उसे सूटकेस के अंदर भर के लेके जा रहा है, ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी स्कैरी था वो एक्चुअली, क्योंकि मैं जब खुद वो सूटकेस के अंदर, यू नो, आई वाज ट्राइंग टू फिट इनसाइड द सूटकेस, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। वो पलंग के अंदर जाने के शॉट्स भी मुझे ऐसा लग रहा था, अरे बाप रे, ये काफ़ी स्कैरी, मतलब ऐसे होता नहीं है कि आप डेली लाइफ में ऐसा करो, तो वो करने अपने आप में एक अलग सा एक स्कैरी फैक्टर है। अच्छा, वैसे पूजा का सीन पूछा जाए तो पूजा हो रही है। हाँ, अच्छा, मुझे लगा मेरा सीन पूछा जाए तो कहा तो यही है ना कि नूरी तो घर पे है नहीं, क्योंकि नूरी तो किडनैप हो चुकी है। तो फिर अगर नूरी घर पे है नहीं तो फिर इसके घर में क्या है? अब वो घर में कुछ है जो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, वो हमें शूट करना बाकी है। तो घर में शायद वो इसलिए डर रही है क्योंकि शायद उसने, मतलब, नूरी को कहीं छुपा के रखा हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो मैं आपके सामने हूँ, जो इन कपड़ों में खड़ी है, जो बैठी है एक्चुअली, वो एक्चुअली में नूरी नहीं है, वो कोई और है। तो वो कौन है और नूरी के घर में नूरी कहाँ बंद है, क्या है नहीं है, वो इसलिए वो सोच के अभी फ़िलहाल मैं डर रही हूँ। वैसे मशीन का किरदार निभाओगे कैसे? नूरी के लिए डिफरेंट शेड है। ऑल दिस वाइल वो प्यार में थी, अपने इमोशन के साथ झूझ रही थी, लेकिन अभी मुझे एक नेगेटिव रोल प्ले करने का मौका मिल रहा है। आई एम गेटिंग शेड्स, और मतलब मुझे ना बड़ा मज़ा आता है, मैं तो ऐसे ऐसे देखती रहती हूँ। जैसे मैंने वो रोल करने से पहले मैंने करिश्मा से बात की, मैंने कहा यार आप करके बताओ ना आप क्या क्या करते हो, तो मैं ज़रा देख लूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा रोल किया नहीं है। आई वाज जस्ट वॉचिंग हर, बिकॉज मुझे उन्हीं का रोल अगर करना है तो आई हैव टू डू एग्जैक्टली लाइक शी इज़ डूइंग। अगर एग्जैक्टली भी नहीं तो एटलीस्ट फॉलो कर सकती हूँ वो जो कर रही हैं। तो मैंने बस देखा कि अच्छा वो ना गुस्से से देखती है, और एक मतलब वो एक आईब्रो उनके ऊपर जाती है, बस ट्राइंग टू डू दैट, मैं से देख रही हूँ और फिर ऐसे ऐसे कर रही हूँ। तो मुझे ना बहुत मज़ा आया वो करने में, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी डूइंग दिस रोल। यानी ये ट्रैक देखने में सबको बहुत मज़ा, मुझे करने में मज़ा आ रहा है, तो आई एम गेसिंग सबको देखने में भी बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू अलमाज, थैंक यू।